हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मजे में ना? बस मजे में ही हो गए। आज है 29 अप्रैल 2023 और शनिवार। तो मैं निकल चुका अपना काम करने के लिए। अभी टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं और मैं अपने घर से बाहर निकल गया हूँ और फटाफट ओला और उबर दोनों डिवाइस करते हैं ऑन और देखते हैं पहला बुकिंग किस में आता है, क्या होता है। जो भी है, सारा पूरे दिन का अपडेट आपको करने की कोशिश करेंगे। जो भी है, शाम तक कितना अर्निंग होता है। कल तो दोस्तों मेरा छुट्टी पड़ गया, पहला ही ट्रिप मैंने कंप्लीट किया था, जो आपको लास्ट वीडियो में आपको अपडेट दिया था कि गाड़ी मेरा हीट हो गया है। तो पहला ही बुकिंग CTM का कंप्लीट किया और गाड़ी में सिंबल आ गया हीटिंग का। मैंने चेक किया तो कूलेंट पूरा खाली हो गया था और डूल गया था पूरा कूलेंट। तो फटाफट फिर वहाँ से आधा पौना घंटा रुका के फिर मैं गाड़ी ले कर गैरेज पर पहुँच गया सीधा और फोरमैन ने सही कर दिया। वो तो उसका पाइप का कुछ प्रॉब्लम था, फैन का लोचा नहीं था। वो पाइप जो एग्जॉस्ट का पाइप आता है कूलेंट का, उसमें से कूलेंट लीकेज था, तो वो पाइप नया डाल दिया और हो गया अपना गाड़ी कंप्लीट। और एक साइड का व्हील का बेयरिंग भी डालने का था गाड़ी का, तो वो भी मैंने काम करा दिया कंप्लीट, तो हो गया। कल तो रात को लेट नाइट तक अपना काम हो गया था गाड़ी का और आज फिर दूसरे दिन निकल गए अपना काम करने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो, अभी मैं हूँ मणिनगर। करीबन मुझे 1 घंटा बैठने के बाद में पहला बुकिंग मिला था मणिनगर के लिए, जो अभी मैंने कस्टमर को कर दिया ड्रॉप। उसका पेमेंट 130 रुपये आया, जो भी उसमें से मिला है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अभी आप देख सकते हो मैं हूँ मणिनगर 4 रास्ता पे, अभी जा रहा हूँ LG तरफ। उधर साइड पे अच्छा पार्किंग देख के वहाँ पर साइड पे लगाते हैं और वहाँ पर वेट करते हैं दूसरा बुकिंग का। तो पहला बुकिंग तो अपना हो गया है कम्प्लीट और बरसात का माहौल बन रहा है, थोड़ा थोड़ा रिमझिम बरसात आ रहा है। तो देखते हैं अभी दूसरा बुकिंग आने के बाद में दोस्तों मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो लगे रहिए। और कर लिया है मैंने कंप्लीट, जो लास्ट अपडेट मैंने फर्स्ट बुकिंग कंप्लीट करके मणिनगर से दिया था। फिर वहाँ से 15-20 मिनट आधा घंटा जैसा बैठने के बाद में मुझे और एक बुकिंग आ गया था एयरपोर्ट के लिए, जो एयरपोर्ट मैंने कस्टमर को कर दिया था ड्रॉप। उसका पेमेंट कुछ 260 रुपये आया था, उसमें से जो भी मिला है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फिर वहीं से एयरपोर्ट से जैसे मैं बाहर निकल रहा था, तुरंत ही मुझे डोमेस्टिक में से और एक बुकिंग मिल गया था, पिकअप नाना मोटा चिलोड़ा के लिए, जो चिलोड़ा सर्कल है वहाँ पर मिलिट्री कैंप बना हुआ है, वहाँ के लिए बुकिंग मिला था। उसका पेमेंट कस्टमर ने मुझे ऑनलाइन पे किया, उसमें से जो भी मिला है ऑनलाइन है तो मुझे पता नहीं है, उसमें जो भी मिला है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ऐसा मिला कि आज का 3 बुकिंग हो गया अपना कंप्लीट और मैं अभी हूँ चिलोड़ा, मोटा चिलोड़ा के पास में। अभी यहाँ से जाते हैं सीधा अक्षरधाम मंदिर के पास में जाएंगे, वहाँ पर वेट करेंगे, वहाँ से कोई और बुकिंग मिलता है तो लेके जो भी आगे का अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ। और अभी टाइम हो चुका है 2:50 हो चुका है, 3 बजने वाला है। तो दोस्तों लगे रहिए वीडियो में। दोस्तों लास्ट अपडेट मैंने जो दिया था चिलोड़ा से, फिर वहाँ से मैं गया अक्षरधाम मंदिर। वहाँ पर 15-20 मिनट आधा घंटा जैसा वेट करने के बाद में मुझे एक बुकिंग आया था एयरपोर्ट के लिए, जो अभी मैंने एयरपोर्ट कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप। वो बुकिंग वहीं था, वहीं से अक्षरधाम के पास में से था, 500 मीटर के नज़दीक से। इसका पेमेंट आया 377 रुपये आया है। और अभी आप देख सकते हो मैं हूँ एयरपोर्ट के अंदर, अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ से फटाफट निकलते हैं बाहर क्योंकि अभी शाम को तो अभी बहुत गाड़ी हो गया इधर एयरपोर्ट में। और अभी टाइम हो चुका है 4 बज चुके हैं और एग्जैक्ट 4 बज चुके हैं और अभी निकलते हैं फटाफट बाहर, शाहीबाग तरफ जाते हैं। वहाँ पर कुछ भूख लगा है तो कुछ नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद जो भी ट्रिप आता है एक्सेप्ट करके जो भी आगे का अपडेट है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो का एंड तक देखना। तो लास्ट अपडेट मैंने जो एयरपोर्ट से दिया था, वहाँ से फिर बाहर ही मैं निकल रहा था, तो एयरपोर्ट से मुझे एक और बुकिंग मिल गया था सैटेलाइट के लिए, जो अभी मैंने सैटेलाइट कस्टमर को कर दिया ड्रॉप। उसका पेमेंट 385 रुपये आया है, जो भी है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और अभी मैं हूँ सैटेलाइट पे, अभी 4:54 हो चुका है और वेट करते हैं और एक तो दो बुकिंग और मैंने कर लिया है कम्प्लीट, जो मैंने सैटेलाइट से आपको लास्ट अपडेट दिया था। फिर वहाँ से फिर एक बुकिंग मुझे मिला था चांदखेड़ा के लिए पकवान 4 रास्ते से, जो मैंने कस्टमर को कर दिया था ड्रॉप। उसका पेमेंट जो भी है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फिर मोटेरा स्टेडियम के पास से और एक बुकिंग मुझे मिला था चांदखेड़ा से, निगम नगर से ITC होटल वस्त्रापुर के लिए, जो अभी मैंने कस्टमर को वस्त्रापुर मानसी सर्कल के पास में ITC होटल के पास में कर दिया है ड्रॉप। उसका पेमेंट कुछ 317 रुपये आया, जो भी है मैं उसमें से मुझे मिला है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और अभी टाइम हो चुका है 6:30 हो चुके हैं दोस्तों और अभी मैं हूँ मानसी सर्कल के पास में, अभी खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हो मानसी सर्कल सिग्नल आगे सामने आपको शायद दिखाई दे रहा होगा,
आगे फिर साइड पे लगाते हैं और वेट करते हैं और एक बुकिंग का, गाड़ी में सीएनजी भी डलाना बाकी है। आगे जाके फिर सीएनजी पंप देख के वहाँ से सीएनजी डलाते हैं और जो भी नया ट्रिप आता है उसका अपडेट मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। दो बुकिंग और मैंने कर लिया है कम्प्लीट, जो मैंने लास्ट अपडेट आपको दिया था मानसी सर्कल से। फिर वहाँ से एक बुकिंग मुझे मिला था सेला खाड़िया के लिए, सेला के लिए क्लब हाउस 7 के पीछे की साइड पे, वहाँ पर मैंने कस्टमर को कर दिया था ड्रॉप। उसका पेमेंट आया था 220 रुपये के आसपास कुछ पेमेंट आया था, जो भी है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फिर वहाँ से मैं चला गया सीधा सीएनजी पंप, वहाँ से सीएनजी पंप नज़दीक था तो मैंने सीएनजी मेरी गाड़ी में वहाँ से डला लिया था। करीबन मेरी गाड़ी में 620 रुपये का मैंने सीएनजी डला, सीएनजी 620 का फुल हो गया मेरी गाड़ी में दोस्तों। और सीएनजी डलाने के बाद में 15 मिनट बैठने के बाद में मुझे एक बुकिंग और मिला था, छोटा सा बुकिंग था मकरबा के लिए, जो अभी मैंने कस्टमर को यहाँ पर मकरबा कर दिया ड्रॉप। उसका भी पेमेंट आया है कुछ 130 रुपये के आसपास उसका पेमेंट आया है दोस्तों। और अभी टाइम हो चुका है 8:28, 8:30 बज चुके हैं और गो होम लोकेशन तो मैंने लगा, लास्ट अपडेट मैंने आपको जो दिया था मकरबा से, फिर वहीं से गो होम लोकेशन तो मैंने लगा दिया था, लेकिन 15-20 मिनट बैठा लेकिन मुझे कोई राइड आया नहीं, तो मैं वहाँ से सीधा अपने घर पे आ रहा था। तो विशाला से एक बुकिंग मुझे मिल गया था मणिनगर के लिए, जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मणिनगर मैंने कस्टमर को कर दिया था ड्रॉप। उसका पेमेंट कुछ ऑनलाइन आया था, जो भी मिला है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फिर मणिनगर से भी मैं एमटी आ रहा था तो रास्ते में एक छोटा सा बुकिंग मिल गया, मैंने सोचा बोले घर ही जाना तो फिर एक्सेप्ट कर लेते। तो 2 किलोमीटर का बुकिंग था, एक कस्टमर को ईशनपुर आना था तो ईशनपुर मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया, उत्तम नगर से ईशनपुर, यानी 2 ही किलोमीटर का बुकिंग था। तो उसका पेमेंट भी कुछ 60 रुपीज़ के आसपास आया, वो बुकिंग मुझे आया था ओला। और आज का मेरा टोटल अर्निंग कुछ 2200 प्लस का अर्निंग है, 2210 का कुछ अर्निंग है। उसमें ओला में मेरा एक ही बुकिंग कंप्लीट हुआ है, एक बुकिंग का मुझे 60 रुपीज़ अर्निंग हुआ है। और उबेर में मैंने कुछ 10 राइड कंप्लीट किया है, 10 राइड का मुझे 2150 का अर्निंग हुआ है। ऐसा मिला के आज 2210 का अर्निंग हुआ है और मेरा गाड़ी आज टोटल रनिंग हुआ है 200 किलोमीटर एक्जैक्ट मेरा गाड़ी आज टोटल रनिंग हुआ है दोस्तों। और मैंने सीएनजी डलाया था 620 रुपये का, मैंने सेला से सीएनजी डलाया था। और अभी टाइम भी 10 बज चुके हैं तो मैं अपने घर पे भी पहुंच चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।